presenting him with a shawl and the puneri pagdi a memento of all the nationalities of students who study at symbiosis bangladesh bhutan burundi सेम्बियोसिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रेस्पेक्टेड डॉक्टर एस पी मजूमदार जी डॉक्टर विद्या एरावडेकर जी डॉक्टर रजनी गुप्ते जी वाइस चांसलर ऑफ़ दिस यूनिवर्सिटी एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अनिल सिरोले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री अमर शाबले और इस ऑडिटोरियम में मौजूद इस ऑडिटोरियम में मौजूद मेरे युवा मित्रों मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का इंटरनेशनल फेम जिसे हासिल है ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिम्बियोसिस में मुझे बच्चों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यहां आने के पहले जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था लोगों में देखा बस उधई व कुटुंबकम लिखा हुआ था द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली और इस सिम्बियोसिस Institute के कैंपस में इंटर करते ही मुझे यह कहने में बिल्कुल संदेह संकोच नहीं है मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो हुई है वह इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने के लिए नहीं हुई है बल्कि स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के आधार पर हुई कोई कह सकता है कि यह बात आप क्यों कहते हैं स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के आधार पर इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं यदि स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के आधार पर इसकी स्थापना न हुई होती तो शायद लोगों में मुझे बसुधै व कुटुंबकम द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह देखने को न मिलता दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने अपने देश में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है छोटे मन का कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दुनिया के सारे परिवारों को अपने परिवार का मेंबर नहीं मान सकता जो बड़े मन का होगा वही अपने परिवार की तरह दूसरे के परिवारों को भी अपने देश के परिवारों को और सारी दुनिया के परिवारों को मानेगा वही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे सकता है और जैसा मैंने कहा कि दुनिया का अकेला देश भारत है के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया मन, मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता इसीलिए मैंने कहा कि इस कैंपस में इंटर करते ही मुझे कुछ लगा कि एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के आधार पर इस कैंपस की स्थापना हुई है इसीलिए मैंने कहा और मेरे बच्चों आप सब सौभाग्यशाली हो कि सिंबियोसिस जैसे इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है मैं टीचर रहा हूं आज टीचर्स डे है शिक्षक दिवस काफी समय तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन को भी पढ़ने की मैं कोशिश मैंने की है और कर रहा हूं और आप सारे नौजवानों का फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद और इस सिंबाइसिस यूनिवर्सिटी में मैं कह सकता हूं कि आप सबके अंदर कुछ करने की तमन्ना है करने की तडपन है और आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं। सारे फंडामेंटल्स हम लोगों के पास हैं उसे समझने की जरूरत है टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है टेक्नोलॉजी में भारत और आगे निकल सकता है सारे विश्व को हम एक दिशा दे सकते हैं सारे विश्व का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं और सारे विश्व को दिशा देने का काम सारे देश का मार्गदर्शन करने का काम सारे देश में ब्रदरहुड का कंसेप्ट प्रिवेल कराने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे ही आज के नौजवान ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है आप जैसे लोग ही कर सकते भारत को हमको कैसा भारत बनाना है उसके बारे में थोड़े बहुत अपने विचार मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंबॉइसिस यूनिवर्सिटी इस कैंपस ही नहीं बल्कि जहां जहां भी बच्चे मेरी इस स्पीच को सुन रहे हैं उनको भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट डेवलप करे एक ऐसा कॉम्पिटेंस डेवलप करे ताकि भारत को जगत गुरु बनाने में वह अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकें एक ऐसी कैपेबिलिटी हमारे सारे नौजवानों में पैदा करे ईश्वर में यह प्रार्थना करते हुए और शिक्षक दिवस पर टीचर्स डे पर आप सबको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ